हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। नाम नहीं ले रहा हूं, नाम बहुत ही लंबा है तो आप सभी को नाम ऑलरेडी दिखाई दे रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी इस वीडियो पे पहुंच चुके हैं तो नाम तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं निकल रहा था डिब्रूगढ़ कुछ बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो सोचा क्यों ना एक ब्लॉग ही बना दिया जाए। और इस ब्लॉग को बनाने का खास मकसद है आउट ऑफ आसाम के लोगों के लिए, क्योंकि डिब्रूगढ़ जाते समय मैं बोगीबील घाट होके जाऊँगा। तो अभी भी आउट ऑफ आसाम के मैक्स टू मैक्स लोग जो है बोगीबील घाट जो है विजिट नहीं किए हैं, तो बोगीबील ब्रिज जो है वो विजिट नहीं किए, तो सोचा आप सभी के लिए वीडियो बना दिया जाए। और क्योंकि आसाम के मैक्स टू मैक्स लोग जो है विजिट कर चुके हैं और बोगीबील घाट का जो नेचुरल व्यू से वो देख चुके हैं, तो इस वीडियो को बनाने का खास मकसद है आउट ऑफ आसाम के लोगों के लिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो वीडियो ऑलरेडी जो है शुरू हो चुका है, आप सब लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, और मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ जोनाई से होके, मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ। और वीडियो शुरू होते समय जो एरिया आप देखे थे वो बैकुंठपुर एरिया है, जो कि जोनाई क्रॉस करके, जोनकारिंग क्रॉस करके, उसके बाद लाइमिकुड़ी क्रॉस करके पहुंचता है बैकुंठपुर। तो ये ब्रिज भी आपका बैकुंठपुर एरिया के अंदर ही आता है। तो आप वीडियो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो अभी हम बैकुंठपुर एरिया जो है क्रॉस कर चुके हैं, और अभी हम एंटर करेंगे तेलाम एरिया, जो कि एक छोटा मोटा मार्केट एरिया है, और वहाँ पर हम अभी एंटर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी के कमेंट से मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, और इसी तरीके का वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन बहुत सारा मिलता है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, और सारा कुछ मैं अपडेट आप सबको देते हुए जाऊँगा। तो अभी हम जो है तेलाम एरिया एंटर कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद जो है हम तेलाम का जो SFS स्कूल है वो क्रॉस करेंगे, उसके बाद तेलाम मार्केट क्रॉस करेंगे। तो ये व्यूज जो आप देख पा रहे, और आप सभी लोग अगर आसाम विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर नेचुरल व्यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नेचुरल व्यूज है, और सभी को पता है कि आसाम में ज़्यादातर नेचुरल व्यूज देखने को मिलता है। तो अभी हम जो है तेलाम एंटर कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद जो है हम तेलाम में एंटर करेंगे। तो ये एरिया जो है तेलाम के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे आपको तेलाम का जो एक स्कूल है वो देखने को मिलेगा, ये है आपका जो साइनबोर्ड आपने दिखा, तो ये तेलाम का SFS स्कूल का साइनबोर्ड है, और ये बहुत ही बड़ा स्कूल है और बहुत ही जाना माना स्कूल है। तो यहाँ पे फेंचिलन स्कूल जो है ये SFS स्कूल, और ये जो स्कूल आप, ये जो मार्केट आप देख पा रहे हैं, ये तेलाम मार्केट है, यही मेन एरिया है तेलाम का। तो ये हम ऑलरेडी जो है क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी हम तेलाम से क्रॉस करके हम अभी ये डेकापम एरिया का थोड़ा बहुत व्यूज है, उसके बाद हम एंटर करेंगे सीमेन सपोरी। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, हम कुछ ही देर बाद जो है सीमेन सपोरी एंटर करेंगे। तो देखिए वीडियो आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर आपको पेड़ पौधे और दूर दूर तक आपको ज़्यादातर पहाड़, ये सब आपका जो हिल्स का एरिया है ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आसाम पे ये नेचुरल व्यूज ज़्यादा है, तो सभी जगह आपको ज़्यादातर नेचुरल व्यूज ही मिलेगा। तो यहाँ का जो नेचुरल व्यूज है वो बहुत ही अच्छा है, तो सोचा आप सभी के लिए वीडियो बना दिया जाए। तो आउट ऑफ आसाम के बहुत सारे लोग अभी भी आसाम विजिट नहीं किए हैं, तो मैं जितना हो सके, ये मेरा पहला वीडियो है ब्लॉग का, तो आगे भी इसी तरीके का मैं जहाँ जहाँ विजिट करता हूँ सब जगह का जो है वीडियोस बना के आप सबके लिए जो है मैं लाता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का वीडियो जो है आपको देखने को मिलता रहे। तो हम अभी जो है सीमेन सपोरी जो है हम कुछ देर बाद जो है एंटर करने वाले हैं,
ये ब्रिज क्रॉस करके ये डेकापम एरिया का जो ब्रिज है, तो ये क्रॉस करके हम जो है सिमेन छपरी एंटर करेंगे कुछ ही देर बाद। और उसके बाद जो है सिमेन छपरी के बाद भी कुछ नेचुरल व्यूज है, बहुत ही अच्छा है, तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा ताकि वो व्यूज जो है आप मिस ना करें। तो देखिए आप ये आसाम के मैक्स टू मैक्स लोग जो है ऑलरेडी बहुत सारा जगह विजिट कर चुके हैं और इधर भी आ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ का विजिट कर चुके हैं ये इस तरफ का एरिया। तो फिर भी अभी भी बहुत सारे कुछ लोग हैं जो ये इधर विजिट नहीं किया है, इस तरफ विजिट नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को आखिर तक। तो अभी हम कुछ ही देर बाद जो है सिमेन छपरी एंटर करने वाले हैं। सिमेन छपरी जो है क्रॉस करके थोड़ा बहुत एरिया मिलता है जो कि टोटली नेचुरल है और उसका जो व्यूज है बहुत ही अच्छा है, वहाँ का जो व्यूज है, तो हम सिमेन छपरी क्रॉस करके ही वो एरिया पहुँचेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। सिमेन छपरी जो एरिया है वो जोनाई से 35 किलोमीटर के दूरी में है, तो हम लोग जोनाई से ऑलरेडी निकल चुका था, तो जोनाई से तो वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मुझे वो ख्याल नहीं आया था। तो जब जोनकारिंग लाइमिकुड़ी क्रॉस करके तेलम पहुंचने वाला था तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और यहाँ का जो नेचुरल व्यू से आप सभी को दिखाया जाए, तो इसीलिए मैं जोनाई से निकलते समय तो वीडियो नहीं बना पाया, तो बीच से मैंने शुरू किया। तो जोनाई से आप सिमेन छपरी का जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है, तो अभी हम सिमेन छपरी जो है ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, सिमेन छपरी क्रॉस कर रहे हैं हम, और अभी हम सिमेन छपरी का जो ब्रिज है वो उसमें हम एंटर करेंगे। थोड़ी देर में हम सिमेन छपरी ब्रिज जो है वो एंटर करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। उसके बाद जो है कुछ बहुत ही अच्छा नेचुरल व्यू सबको देखने को मिलेगा ब्रिज क्रॉस करने के बाद। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए ज़्यादातर आपको नेचुरल के व्यू से ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत सारा है। तो ये हम थोड़ी देर में अभी हम सिमेन छपरी ब्रिज जो है एंटर करेंगे, और ये थोड़ा छोटा मोटा रिजर्व है जो फॉरेस्ट के तरह है, और ये हम जो है सिमेन छपरी ब्रिज जो है हम भी एंटर करने वाले हैं। ये जो बस सबको देखने को मिल रहा है ये अरुणाचल का बस है जो हमारे आगे ही जा रहे हैं, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं उनके पीछे, हमारे आगे आगे वो जा रहा है, वो बहुत देर से हमारे आगे ही है। तो कुछ खास खास जगह का जो मैं सिर्फ वीडियो बनाया हूँ, पूरा तो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि जोनाई से जो डिब्रूगढ़ का जो डिस्टेंस है वो अगर टाइम में बताया जाए तो 2.5 आवर्स तो लग जाता है, तो इतना लंबा वीडियो तो बना नहीं सकते। तो ये देखिए हम सिमेन छपरी जो ब्रिज है वो एंटर कर चुके हैं, और ये ब्रिज भी बहुत इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, फिर भी ये हाफ किलोमीटर का ये ब्रिज है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप नेचुरल व्यूज जो है ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो व्यूज़ मिलता है आपको नेचुरल व्यूज़, आप जब कभी भी आप आसाम विजिट करते हैं तो ज़रूर इस तरफ विजिट कीजिएगा क्योंकि इस तरफ आपको नेचुरल व्यूज ज़्यादा देखने को मिलेगा। गुवाहाटी इस तरफ का एरिया आपको पता है तो वहाँ पे आपको इतना नेचुरल व्यूज़ नहीं मिलता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो हिल्स है जो पहाड़ है इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इस तरफ से आपका अरुणाचल बहुत नज़दीक होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आपका नेचुरल व्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑलरेडी हम सिमेन छपरी ब्रिज जो है क्रॉस कर चुके हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। बीच में आपको जो बोगीबील घाट का जो मेन फोकस इस वीडियो को बनाने का है, तो बोगीबील घाट उसका जो मैं सारा व्यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको बीच में दिखने को मिलेगा, और लास्ट में हम एंटर करेंगे डिब्रूगढ़।
यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, तो हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। तो ये देखिए, हम सीमेंट छपोरी और शिला पठार का बीच का एरिया है ये, जो कि टोटली नेचुरल है और यहाँ पे ज़्यादा घर या आदमी यहाँ पे नहीं है। जो यहाँ पे पूरा एरिया जो है ये नेचुरल है और ये पूरा एरिया खाली है, जो खेती बाड़ी का एरिया है। ये सीमेन छपुरी और शिला पठार के बीच का एरिया है। हम सीमेन छपुरी से क्रॉस करके, ये एरिया पूरा क्रॉस करके हम शिला पठार क्रॉस करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा आपको नेचुरल व्यूज देखने को मिलता है। दूर दूर तक आपको ये पहाड़ जो है ये बहुत ही नज़दीक है ये हाई रोड से। थोड़ी दूर अगर आप जाएंगे तो ये पहाड़ आप देख सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा और आखिर में वीडियो कैसा लगा वो बताना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पे कुछ डाइवर्सन पॉइंट दिया हुआ है, तो वह हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रिज था जो कि ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, इसलिए ये डाइवर्सन लगा दिया गया है। तो देखिए, अभी ये जो एरिया है ये शिला पठार से कुछ दूर आगे है, जिसको आरसी पठार कहा जाता है। तो हम वो एरिया क्रॉस कर रहे हैं। ये रोड जो है पहले बहुत ही ख़राब था, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा कर दिया गया है और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होता है इस तरफ अगर आप विज़िट करते हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। और फिर भी ये बहुत पहले जो है, कुछ 2-3 साल पहले बहुत ख़राब था, तो अभी लेकिन ये बहुत अच्छा कर दिया गया है और कोई भी दिक्कत नहीं होता है आपको ड्राइविंग करने के लिए, या फिर गाड़ी या बाइक आप जो भी लेके अगर आप विज़िट करते हैं या ट्रेवलिंग करते हैं, तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि रोड जो है अभी बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो कुछ ही देर बाद जो है हम शिला पठार एंटर करेंगे। शिला पठार टाउन तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अभी बाईपास से होके निकल जाएंगे डिब्रूगढ़, क्योंकि अगर हम टाउन अगर अंदर जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए हम शिला पठार टाउन अभी आज विज़िट नहीं करेंगे। फिर कभी अगर मौका मिला मैं शिला पठार विज़िट करता हूँ, तो शिला पठार का जो टाउन है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊँगा ज़रूर। तो आज लेकिन हम शिला पठार टाउन विज़िट नहीं करेंगे, हम बाईपास से होके निकल जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा और मैं आपको सारा कुछ जो है दिखाते हुए जाऊंगा। तो ये एरिया आरसी पठार है, हम इसको क्रॉस करके हम शिला पठार एंटर करेंगे। आरसी पठार से कुछ दूर पहले जो है डीमो एरिया पड़ता है, जो कि पिकनिक प्लेस है, जो कि यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है अंदर है, जो कि मैं आपको दिखा तो नहीं पाया। फिर कभी अगर मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ तो ज़रूर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो वहाँ पे पिकनिक के लिए जो है बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है और पूरा टोटली आपका नेचुरल है, आपको पहाड़ के एकदम आसपास का एरिया है डीमो एरिया जो है। तो वो ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद ही आरसी पठार आता है, उसके बाद शिला पठार आता है। तो हम कुछ ही देर में शिला पठार क्रॉस करने वाले हैं। और जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि शिला पठार टाउन तो आज मैं भी अंदर होके नहीं जाऊँगा, मैं बाईपास से होके निकल जाऊँगा, तो शिला पठार टाउन तो दिखा नहीं पाऊँगा। तो जितना हो सके मैं आप सभी को जो व्यूज़ दिखाऊँगा, जो कि नेचुरल व्यूज़ है, तो वीडियो को देखते रहिएगा। जस्ट थोड़ी ही देर में हम शिला पठार क्रॉस करने वाले हैं। और इस रोड पे आपको, आप कभी भी अगर आसाम विज़िट करते हैं, तो इस रोड पे आपको बहुत अच्छा अच्छा ढाबा और जो होटल वगैरह है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक सुनवाल ढाबा बोल के है, जो कि बहुत ही फेमस है और वहाँ का जो खाना है बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं कुछ दिन पहले विज़िट किया था, तो
तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। और ये पूरा रोड में आपको बहुत अच्छा अच्छा ढाबा मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा अच्छा खाना तो जो है टेस्टी टेस्टी खाना बनाता है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारा ढाबा यहाँ पे आपको हाई रोड के मतलब साइड में आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आपका देख पा रहे ये रास्ता जो है ये यहाँ से हम सिलापथार एंटर करते हैं जो कि बाईपास है, सिलापथार होके हम अलग जगह निकलते हैं। और ये जो मेन रोड है सिलापथार एंटर करने का, अगर आप डिब्रूगढ़ से होके आते हैं तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं जो कि मैं अभी अभी आपको दिखाया, तो यहाँ से हम सिलापथार एंटर कर सकते हैं। और अभी हम सिलापथार ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम एंटर करेंगे कुछ ही देर बाद जो इस वीडियो का बनाने का खास मकसद है, खास फोकस है, जो बोगीबिल घाट बोगीबिल ब्रिज वो आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम सिलापथार क्रॉस कर चुके हैं तो वीडियो में बना रहिएगा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप वो व्यू जो है मिस ना करें। तो कुछ ही देर में हम ये क्रॉस करके हम बोगीबिल ब्रिज एंटर करने वाले हैं और पूरा व्यू में वहाँ पे जितना हो सके मैं आपको बोगीबिल ब्रिज का व्यू जो है मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बना रहिएगा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये कुछ सिलापथार क्रॉस करके मार्केट एरिया है, छोटा मोटा एक मार्केट है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ही हम कुलाजान पहुंचेंगे जो बोगीबिल ब्रिज के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो वहां से हम बोगीबिल ब्रिज के लिए टर्न करेंगे और कुछ ही देर बाद हम बोगीबिल ब्रिज में एंटर करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, कुछ ही देर बाद जो है हम बोगीबिल एंटर करेंगे। और ये वीडियो का बनाने का और एक मकसद है ताकि आपको जो रोड है वो भी मैं दिखा दूँ, इसलिए मैं पूरा वीडियो जो है बना के जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं कुलाजान, ये कुलाजान का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे हम स्ट्रेट अगर जाएंगे तो हम धेमाजी लखीमपुर स्ट्रेट पहुँच जाएंगे और हम यहाँ से लेफ्ट टर्न ले ले रहे बोगीबिल ब्रिज के लिए जो कि इस वीडियो को बनाने का खास फोकस है, तो उस एरिया के लिए जो है हम टर्न ले लिए हैं। ये कुलाजान एरिया है, यहाँ पे आपका एक छोटा मोटा मार्केट है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा होटल है, तो आप यहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट, हम सुबह सुबह निकले थे तो कुछ खा के नहीं निकले थे तो हम वहाँ पे कुछ देर रुके कुलाजान में और ब्रेकफास्ट कर लिया। तो अभी हम फिर से निकल गए हैं और ये कुलाजान से हम निकल के अभी हम बोगीबिल ब्रिज की ओर जा रहे हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा, कुछ ही देर बाद जो है आपको वो व्यू जो है देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो अभी हम कुछ ही देर में जो है बोगीबिल ब्रिज एंटर करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। आपका जो कुलाजान एरिया है, कुलाजान से बोगीबिल ब्रिज थोड़ी दूर है, ये बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, तो हम कुछ ही देर में बोगीबिल ब्रिज एंटर करने वाले हैं। ये पूरा व्यूज जो है मैं आपको दिखा के जा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को ये व्यूज आपको देखने को मिले, इसीलिए मैं पूरा वीडियो बना के जा रहा हूँ। तो कुछ ही देर बाद जो है हम बोगीबिल ब्रिज पर एंटर करने वाले हैं, ये देखिए हम पहुंच गए हैं बोगीबिल ब्रिज जो आपको यहाँ पे चेकिंग पॉइंट दिख रहा है, ये एंटर करने का चेकिंग पॉइंट है और मैं जुनाई से आ रहा हूँ तो इसलिए इस तरफ का एंटर है। तो यहाँ से हम अभी एंटर कर रहे हैं बोगीबिल ब्रिज जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे क्योंकि आपका जो नीचे का एरिया है जो ब्रह्मपुत्र एरिया है वो मैं आप सभी को दिखा दूँ, तो इसलिए कुछ देर हम यहाँ पे स्टे रुकेंगे और आप सभी को जो व्यूज है ये मैं जरूर दिखाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा, अभी आपको ये व्यू दिखने को मिलेगा।
तो ये जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बोगीवेल ब्रिज है और इसको क्रॉस करने में लगभग आपको गाड़ी से जो है हमें 10-15 मिनट तो लग ही जाता है। ताकि मतलब आपको पता चल रहा है कि ये काफ़ी लंबा ब्रिज है, और जो लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है, जो लोग विजिट नहीं किए हैं उन लोगों के लिए मैं ये अपडेट्स दे रहा हूँ, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो कुछ देर हम यहाँ पे रुकेंगे अभी, और आपको जो बाहर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप ये सिर्फ व्यू वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ ब्रिज का है। तो मैं आपको जो बाहर का व्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बना रहिएगा। तो यहीं पे हम कुछ देर जो है रुकेंगे और आपको सारा व्यू जो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ब्रह्मपुत्र एरिया है, अभी ये पानी पूरा खाली है, अभी मौसम सर्दी का मौसम है तो पानी इतना भरा हुआ नहीं है, जब आपका गर्मी का मौसम आता है तो पानी पूरा भरा रहता है। और ये सारा जो व्यू है आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ ही पूरा एकदम खाली है ब्रह्मपुत्र एरिया, और बहुत अच्छा व्यू है, देखने को बहुत अच्छा लगता है। आप जब कभी भी विजिट कीजिएगा आसाम पे, तो ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा एक बार, आपको ये व्यू जो है मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप आसाम आके ये व्यूज आप ज़रूर देख के जाइएगा, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारा नीचे का व्यूज है। और यहाँ का एक ख़ास बात है जो लोग नहीं जानते, उन लोगों के लिए बोगीबिल जो ब्रिज है, इसके नीचे आपका ट्रेन का भी ब्रिज है, यहाँ से ट्रेन भी क्रॉस होता है, और ऊपर में आपका गाड़ी के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया है, और नीचे आपका ट्रेन के लिए ब्रिज है, ट्रेन भी यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे, बहुत ही अच्छा व्यू से, और जब कभी आप आके खुद आप जब ये व्यू देखते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आपको आके। तो आप जब कभी भी आप आसाम विजिट करते हैं, ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा एक बार के लिए। तो अभी हम फिर से निकलेंगे डिब्रूगढ़ के लिए। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको सभी को दिखा चुका हूँ ये व्यू, तो अभी हम फिर से निकल चुके हैं डिब्रूगढ़ के लिए, ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं, अभी भी बहुत दूर है क्रॉस करने के लिए, तो अभी भी हम ब्रिज को क्रॉस नहीं किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा ब्रिज है और हम क्रॉस कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद जो है हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम डिब्रूगढ़ पहुँचेंगे। और डिब्रूगढ़ जो है उसका भी पूरा व्यू जो है मैं आज आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्टेज है, तो जितना हो सके मैं आपको दिखाऊँगा, और उसके बाद फिर कभी अगर मैं टाउन अच्छे से विजिट करता हूँ तो सारा कुछ मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँगा, जो कि वहाँ का ख़ास बात क्या है, वहाँ का आपको वहाँ पर क्या क्या मिलता है, वो सारा कुछ मैं दिखाऊँगा। लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है, आज मेरे पास टाइम शॉर्टेज है, तो हम कुछ ही देर बाद जो है डिब्रूगढ़ का जो टाउन एरिया है वहाँ पर हम विजिट करेंगे, और जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ तक मैं आपको आज व्यूज़ दिखा दूँगा। उसके बाद अगर कभी भी मैं अलग जगह अगर डिब्रूगढ़ में विजिट करके अच्छे से अगर मैं स्टे करता हूँ, तो मैं सारा कुछ आपको वहाँ पे दिखाऊँगा ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरीके का वीडियोज़ और भी आपको मिलते रहेगा। और सिर्फ डिब्रूगढ़ का ही नहीं, मैं असम पे जहाँ भी विजिट करता हूँ, हर जगह का वीडियोज़ मैं बना के आप सभी के लिए लाऊँ, ये मैं कोशिश करूँगा। और जो नेचुरल व्यूज़ है वो आसाम का जितना भी व्यूज़ है वो मैं सब कुछ आपको दिखा पाऊँ, यही मेरा आपका टारगेट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का वीडियो जो है अपडेट आपको मिलता रहे। तो ब्रिज देखिए अभी भी हम क्रॉस नहीं किए हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये 10-15 मिनट लग जाता है इसको क्रॉस करने में। अगर हम 60-80 मतलब पर आवर किलोमीटर में अगर जाते तो भी आपको 10-15 मिनट लग जाता है। तो कुछ ही देर में जो है हम ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्रिज बहुत ही लंबा है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम हर रोज चलते रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, आदमी है हर वक्त यहाँ पे आपका तनाव रहता है, और कोई भी अगर खराबी निकलता है तो साथ ही साथ यहाँ पे रिपेयर किया जाता है, साथ ही साथ वो मेंटेनेंस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, और नीचे में जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रेन का ब्रिज है, तो वहाँ पे भी बहुत सारा काम चलते रहता है, उसमें और भी काम चलता है, ताकि वहाँ पे बहुत सारा मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है। तो आदमी यहाँ पे जो आदमी जो है 24 आवर्स जो है तनाव रहता है, और कुछ ना कुछ काम निकलते रहते हैं, वो लोग मेंटेनेंस करता रहता है।
ताकि ये बहुत ही लंबा है और ये बमोटो के ऊपर है, तो इसको जो है मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हर वक्त यहाँ पे जो है आदमी तनाव रहता है। तो अभी हम कुछ ही देर में जो है ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं, उसके बाद ब्रिज के उस पार का जो एरिया है वो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट हम एंटर करेंगे डिब्रूगढ़ टाउन पे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं अभी भी आपका ये जो ब्रिज है वो हम क्रॉस नहीं किए हैं, अभी भी कुछ देर बाकी है। तो आपको पता चल रहा है तो कि ये ब्रिज जो है कितना लंबा है। इससे भी जो है एक लंबा ब्रिज है जो कि अलग जगह पे है, वहाँ पे मैं जब कभी भी विजिट करूँगा तो मैं वहाँ का भी व्यूज आपको जो है दिखाऊँगा ज़रूर। तो देखिए अभी भी हम ब्रिज क्रॉस नहीं किए हैं, अभी जो है कुछ देर में हम ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। तो ये हम ब्रिज के आखिरी एरिया तक पहुंच चुके हैं। तो आगे एक गाड़ी जा रहा है तो वहाँ से कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको साइड का व्यूज़ दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही वो गाड़ी हटता है तो मैं आगे का व्यूज़ आपको दिखाऊँगा। ये देखिए जैसे कि आगे एक गाड़ी जा रहा है तो आगे इतना दिख नहीं पा रहा है। ये हम आखिरी एरिया पे पहुंच चुके हैं ब्रिज के, तो हम अभी ये ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। आपको ब्रिज के दोनों तरफ ही आपको चेकिंग पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे पुलिस हर वक्त जो है तनाव रहता है, और ताकि ये कुछ रिक्शी जो है कुछ इलीगल जो है एक्टिविटी ना हो चले, तो दोनों तरफ ही आपका चेकिंग पॉइंट है और पुलिस हर वक्त यहाँ पे तनाव रहता है। एंटर करते समय आप डिब्रूगढ़ से आते समय भी आपको यहाँ पे एंटर करते समय मिलेगा, या फिर आप इस तरफ से भी आते हैं जोनाई से होके भी आते हैं तो भी आपको चेकिंग पॉइंट आपको एंट्री पॉइंट पर मिलेगा। हर वक्त हर समय जो है वो लोग आपका चेकिंग नहीं करता है, अगर उन लोगों को कुछ शक होता है कुछ इलीगल एक्टिविटी की तरह दिखता है तो वो लोग चेकिंग करता है, और कुछ अगर उन लोगों को न्यूज़ वगैरह मिलता है तो वो लोग हर किसी को जो है चेकिंग करता है। तो ये हम जो है ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं जो बोगीविल ब्रिज है, और उसके इस पार का जो एरिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हम ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं ब्रिज को, और ये यहाँ पे भी जो है आपको बहुत अच्छा ये व्यूज़ दिखने को मिलेगा। ये साइड पे जो आप देख पा रहे हैं ऊँचा करके, ये आपका ट्रेन का पटरी है, यहाँ से आपका ट्रेन भी आपका गुजरता है। और अभी जो है फिलहाल ये डिब्रूगढ़ से जुनाई तक का जो ट्रेन है वो अभी बंद है, लॉकडाउन से ये बंद है, अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है। तो जब रीओपन हो जाएगा तो आप ट्रेन से भी विजिट कर सकते हैं, और आप ट्रांसपोर्ट जो है वो तो आपको हर समय जो है आपको अवेलेबल मिलता है। ट्रांसपोर्ट का भी इतना कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आपको डिब्रूगढ़ से जुनाई तक और जुनाई से डिब्रूगढ़ तक आपको हर समय मिल जाता है, ज़्यादा रात तक नहीं मिलता है लेकिन करीबन आपका इवनिंग के 6-7 बजे तक आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है। तो ये जो आप व्यूज़ देख पा रहे हैं पूरा ये नेचुरल है, यहाँ पे देखिए पूरा खाली एरिया है, यहाँ पे पानी उनी भर जाता है आपका गर्मी के मौसम में, तो जब ये बारिश का मौसम होता है तो इसलिए यहाँ पे घर वगैरह इतना ज़्यादा बनाया नहीं गया है, फिर भी बीच बीच में कोई कोई बना के अभी भी है यहाँ पे, और ज़्यादातर आपको यहाँ पे खाली एरिया देखने को मिलेगा। तो हम कुछ ही देर बाद जो है डिब्रूगढ़ टाउन पे एंटर करने वाले हैं। ये छोटा मोटा एक आपका ब्रिज है जो बोगीविल ब्रिज को क्रॉस करके डिब्रूगढ़ जाते समय मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पूरा खाली एरिया है और ये पूरा नेचुरल व्यूज है आपका, वहाँ पे आपको जैसे कि हिल्स दिख रहा है पहाड़ दिख रहा है, तो उधर आपका पहाड़ है, यहाँ पे ज़्यादातर आपको नेचुरल व्यूज ही दिखने को मिलेगा।
तो ये पूरा एरिया खाली है। और यहाँ पे अगर आप ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं, तो गाड़ी वगैरह लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको पेट्रोल का भी इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है। कुछ ही दिन बाद जो है ये रेडी भी हो जाएगा, तो आपको पेट्रोल के लिए भी इतना दिक्कत नहीं होता है, पेट्रोल डीजल आपको दोनों ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर जगह जगह बनाया जा रहा है, तो आपको उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम कुछ ही देर बाद जो है डिब्रूगढ़ एंटर करेंगे। और ये कि आपका जो डिब्रूगढ़ से अगर आप होते, मैं अभी जुनाई से जा रहा हूँ, डिब्रूगढ़ से होते अगर आप आते हैं तो भी आपको ये क्रॉस करना होगा, और जुनाई से होते जो अगर आप डिब्रूगढ़ जाते हैं तो भी आपको ये क्रॉस करना होगा। ये आपका एक टोल गेट बनाया जा रहा है, जो कि मैं सोचा आप सभी को दिखा दूँ और इसका अपडेट आपको दे दूँ। तो टोल गेट में जैसे कि आपको पता है कि अगर आप पर्सनल कार लेके आएंगे तो भी आपको फीस देना पड़ता है, तो ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। कुछ ही दिन बाद जो है ये रेडी हो जाएगा, और अभी ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसमें वो इसको बनाया जा रहा है, तो कुछ दिन बाद जो है ये रिपेयर हो जाएगा। तो आपको जब आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको ये टोल गेट जो है होके गुजरना पड़ेगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं अभी ये डिब्रूगढ़ के लिए लेफ्ट टर्न लेने वाला हूँ, और अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो यहाँ से आप तिनसुकिया, शिवसागर इस तरफ आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लूँगा डिब्रूगढ़ के लिए, यहाँ से भी आप होके तिनसुकिया विजिट कर सकते हैं, और आगे से भी इधर से भी आप जा सकते हैं। तो वो दूसरा रोड है जो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी हम जो है डिब्रूगढ़ के लिए टर्न ले चुके हैं, और कुछ ही देर बाद जो है हम डिब्रूगढ़ पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं वो राइट से जो रास्ता गुजर गया है वो आपका तिनसुकिया, वो बाईपास है, डिब्रूगढ़ बाईपास है, वहाँ से आप तिनसुकिया जा सकते हैं, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट विजिट कर सकते हैं। उधर ये हम जो अभी एंटर कर रहे हैं, ये डिब्रूगढ़ टाउन के लिए एंटर कर रहे हैं। तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये आमोलापट्टी एरिया कहते हैं डिब्रूगढ़ का। तो यहाँ से हम विजिट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं हुंडई डीलर में। तो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे, और इससे ज़्यादा मैं आज आपको डिब्रूगढ़ का एरिया जो है दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो हुंडई डीलर में है, तो मैं वहाँ पर विजिट कर रहा हूँ। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये आमोलापट्टी एरिया है, यहाँ पे आपको एक ट्रैफिक पॉइंट भी देखने को मिलेगा, वहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे हुंडई डीलर के लिए। तो ये डिब्रूगढ़ का टाउन एरिया है, और इसको आमोलापट्टी कहा जाता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये जो आपको ट्रैफिक पॉइंट दिख रहा है, इधर से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आपको मिलन नगर ये सब आपको जाने को मिलेगा, और स्टेट अगर आप विजिट करते हैं तो आपको डिब्रूगढ़ का जितने सारा हॉस्पिटल एरिया है उस तरफ आप जा पाएंगे। और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे हुंडई डीलर के लिए। तो इसके आगे आज का जो वीडियो है डिब्रूगढ़ तक यहाँ ही तक ख़त्म होता है, और जब कभी भी मैं अगर पहले और फिर कभी अगर विजिट करता हूँ तो डिब्रूगढ़ का पूरा एरिया मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं वापस लौटते समय रात का जो व्यूज़ है वो मैं सोचा आपको कुछ झलक जो है दिखा दूँ। तो रात का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे रात का व्यू जो है मुझे खासकर बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा एक क्लिप बना दिया वापस लौटते समय। तो वीडियो इतना तक ही था, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।